मैं सरिता डावरा, आज मैं आप लोगों को देखिए एक ये दो कलर का पैटर्न बता रही हूँ। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये इस पैटर्न की राइट साइड और ये इस पैटर्न की बैक साइड। तो इसका मैंने ये एक पूरा स्वेटर बनाया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैं अभी इसका पैटर्न ही बता रही हूँ और ये पैटर्न बहुत आसान है बनाना। चार सिलाइयों का ये पैटर्न है और बैक साइड से ये शुरू होता है। और अब हम इस पैटर्न को शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये फंदे डाल लिए। इसके जो फंदे डालेंगे वो ओड नंबर में डालेंगे। ओड नंबर का मतलब 2 के मल्टीपल प्लस एक फंदा। और मैंने ये एक सीधी तरफ से सीधी सिलाई भी दे ली है। तो आप बॉर्डर के बाद एक सीधी तरफ से सिलाई दे लीजिए और फिर बैक साइड से ये पैटर्न शुरू होगा। तो बैक साइड में हम फर्स्ट रो बनाएंगे और कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। अब ये मैंने दूसरा थ्रेड ज्वाइन कर रखा है। तो पहली सिलाई बनाएंगे हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब पैटर्न की सेकेंड रो फ्रंट साइड, पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, ये फंदा स्किप करेंगे। अब दूसरा फंदा उल्टा, तो अब हमें बस यही करना है, एक स्किप करना है, एक उल्टा बनाना है। ये स्किप करा, धागा इसी के आगे से जाएगा। और लास्ट फंदा बना लिया। पैटर्न की थर्ड रो बैक साइड, पहला फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए जो फंदा हमने बनाया था ये स्किप किया हुआ फंदा है। अब हमारा स्किप किए हुए फंदे को सीधा बनाएंगे और जो बनाया था वहाँ पे उसको स्किप करेंगे और धागा वहीं रहेगा। फिर एक फंदा सीधा और फिर जो ये ध्यान बस यही देना है, जो बनाया हुआ है वो स्किप होना चाहिए हमारा। और लास्ट फंदा हम सीधा बना लेंगे। फोर्थ रो पैटर्न की फ्रंट साइड, पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, नेट ऑल द स्टिचेस। तो बस इन्हीं चार सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है, ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ पहली सिलाई। तो यहाँ पे अब कलर फिर से चेंज करेंगे। तो पहली सिलाई बैक साइड से, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये देखिए बड़ा सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने मेरा ये वीडियो एंड तक देखा होगा। अगर आपको ये पैटर्न